बिहार पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला महाराजगंज का है, जहां महाराजगंज पुलिस ने 3 साथी लुटेरों को पकड़ा है। इन लुटेरों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 टैब, 2 मोबाइल, 1 मास्टर चाबी और एटीएम कार्ड बरामद किया है। एसपी ने बताया कि इन लोगों के ऊपर 18 मामले दर्ज हैं, जो कई जगहों पर लूट, हत्या, बाइक चोरी के मामले दर्ज हैं। वहीं एसपी ने इन साथी अपराधियों के बीच बातचीत का एक ऑडियो भी जारी किया है और कहा कि ये कुख्यात अपराधी हैं। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया है। हेलो, हाँ बोली, पैसा को ले ली वो नहीं खे ना पैसा मेरे लोग को ले ली बोली सात सुबह सौरभ पकड़ लेते ना स्प्लेंडर का पैसा दिला था ना समय नहीं हाँ स्प्लेंडर पूरा का पैसा दिला वहाँ से लिया था बोली जंग कॉर्न संग कॉर्न कॉर्न तो कॉरी अब क्या करूँ गोल बंदर रोके ना ना नुकसान कॉरी सात बिया तल कॉरी है ना तो स्प्लेंडर पूरा कॉरी मैंने उसा भी या ठीक बा अच्छा चक्कर तो भी देख ली पहले चक्कर वाकर ठीक बा सब ठीक बा मारी पर बात चल कर तो मतलब एस्पिरेटर पोड़ का बाता मिला गला ना समझ आ आ बोल देख ली उड़ान देख ली कर हाँ फिर से देख ली देख ली क्या चक्कर वाकर हाँ देख ली सब प्यार प्यार है तो मत ले चलो फिर जाने पर बताओ तुम्हें हाँ हाँ बोली रोकी पहुँचा तो नहीं होगा देखा तो नहीं अरे स्प्लेंडर तो होगा जानता नहीं कहूँ धा के बेचती आदमी तीन चार गो गाहक बा पैसा के दिक्कत बा समझ तो नहीं हाँ स्प्लेंडर पर होगा कहूँ बेच दे बाबा ये कहला मतारी के लेके हमारे हुए के पड़ी ना बोले सब बंदी में बा जान नहीं बंदिया में तो गाँव में रहा था एक बहुत देख बुझा तन कर ठीक के बाद टाका बाकी अगला ठीक नहीं छे छोड़ दे सिलेंडर पर सिलेंडर पर रोक दे 5 मिनट छोड़ दे हां 5 मिनट छोड़ के दूसरे देख छोड़ ये कहीं अभी ना खत्म बा ना मत करी ना ही करी छोड़ दे सिलेंडर पर करी रोकिए करी मत करी तो गिले मर बन या तो कर देना तू कर दे हां छोड़ी सिलेंडर पर होई तो कहूं पे दम सब नसीब खराब बा पैसा फर्ज जनवरी कर बाकी ना लगा रखे ठीक ठीक सुनील सिंह जीएस बंगरा थाना जलालपुर सारण का है, रविंदर मांझी ताजपुर जनता बाजार सारण का और अनवर हुसैन ये भी बनियापुर सारण का है। ये तीनों मोटरसाइकिल चोरी और लूट के कुख्यात अपराधी हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक टैब और 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक मास्टर की भी बरामद हुआ है, चाकू, एटीएम कार्ड और 2 गोलियां बरामद हुई हैं। पप्पू कुमार सिंह पे पूर्व से 18 केस हैं, सिवान और सारण के विभिन्न थानों में, एक गोपालगंज का भी है, नगर थाना का। ये कुख्यात अपराधी है, पूर्व में लूट और मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में ये जेल जा चुका है। 2015 में जेल से बाहर आने के बाद सैकड़ों मोटरसाइकिल चोरी और लूट कर चुका है, जैसा कि इसके कन्फेशन से हम लोगों को पता चल रहा है। अभी इसके कन्फेशन के आधार पर हम लोगों ने 5 मोटरसाइकिल बरामद भी कर लिया है। इसके अलावा रविंदर मांझी ये भी कुख्यात मोटरसाइकिल चोर और आर्म्स एक्ट का अपराधी है। पूर्व में ये इसके विरुद्ध 4 केसेज हैं छपरा जिला में। इसके अलावा जो अनवर हुसैन है वो जनवरी 2019 में जेल से बाहर आया है। इन लोगों के निशानदेही के आधार पर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 5 मोटरसाइकिल बरामद हो चुके हैं और बहुत से मोटरसाइकिल चोरी के कांडों में इनकी संलिप्तता सामने आ रही है। अभी हम लोग और आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आगे और क्लू मिलने की संभावना है। इसकी गिरफ्तारी महाराजगंज थाना क्षेत्र से हुई है इन तीनों की, और इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, अभी मैं आप लोगों से एक वॉइस क्लिप शेयर करूंगा जिसमें रविंदर मांझी और पप्पू सिंह किस प्रकार से बात करते हैं।
व्हाट्सएप के थ्रू वो लोग जिसका डिलीवरी देना होता है उससे पूर्व पहले ही पैसा ले लेते हैं। उसके बाद ये पीओ पे जाता है जो रविंद्र मांझी है, और फिर वहाँ से फ़ोन करता है कि कौन सा मोटरसाइकिल चाहिए। जैसे कि अगर वो स्प्लेंडर का पैसा लिया है तो स्प्लेंडर ही चाहिए, अगर कोई दूसरा मोटरसाइकिल अच्छे कंडीशन में है तो वो जो पूरा वॉइस क्लिप है मैं शेयर करूँगा। सर इन लोगों का बैंक लूट वगैरह में मामले कहीं नहीं, दर्ज बैंक लूट में अभी नहीं ऐसा है? दिखा सकता हूँ। महाराजगंज में हत्याकांड में और 396 मतलब लूट के दौरान हत्या, लूट के दौरान हत्या है 119 नंबर, महाराजगंज थाना कांड संख्या 119/2009। ये 2009 में ये केस हुआ था, लूट के दौरान इन्होंने गोली मारी थी, बाद में जो विक्टिम थे उनकी भी मृत्यु।